दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। अगर फिर से आई चलते हैं बिहार की ताजा खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको बिहार की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, बिहार में सामान्य प्रशासन विभाग के मुताबिक संविदा कर्मियों की सेवा पुस्तिका बनाने के तीसरे फेज की जिम्मेवारी संबंधित विभाग और कार्यालय को दे दी गई है। हर विभाग में इसके लिए अलग से नोडल प्राधिकारी बनाए गए। सेवा पुस्तिका में संविदा कर्मी का नाम, स्थायी पता, पिता का नाम राष्ट्रीयता SC/ST से होने पर उसका ब्यौरा, जन्म तिथि, आधार नंबर, शैक्षणिक योग्यता, लंबाई, शरीर पर पहचान के चिन्ह, योजना परियोजना का नाम, संविदा नियोजन की अवधि आदि की जानकारी देनी होगी और इसे हर 5 वर्ष पर अपडेट भी किया जाएगा। सरकार ने फैसला किया है संविदा कर्मियों के लिए, और संविदा कर्मियों को सेवा विलेख बनाने के बाद नियमित करने पर सरकार फोकस करेगी। एक अनुमान के मुताबिक इस व्यवस्था से करीब 4,05,000 संविदा कर्मियों का रिकॉर्ड राज्य सरकार के पास उपलब्ध होने वाला है। संविदा पर नियोजित कर्मियों की सेवा पुस्तिका बनाने का काम लगभग 7 महीने से चालू है और लगातार फेज बाई फेज सेवा पुस्तिका बनाई जा रही है। संविदा पर नियोजित कर्मियों की सेवा नियमित किए जाने की मांग पर गठित उच्च स्तरीय समिति की अनुशंसाओं के आधार पर राज्य सरकार ये कार्रवाई कर रही है, जिससे कि नियमित करने के दौरान सभी संविदा कर्मियों का डेटा सरकार के पास उपलब्ध हो। अगली खबर, बिहार में मोकामा और गोपालगंज विधानसभा उपचुनाव की लड़ाई शुरू हो गई है। पक्ष और विपक्ष के उम्मीदवार की घोषणा भी हो चुकी है, नॉमिनेशन की प्रक्रिया भी पूरी कर ली गई है। महागठबंधन के 7 दलों ने जहां एकता दिखाते हुए दोनों सीटों से RJD के उम्मीदवार को उतारा है, तो BJP ने अपने दम पर दोनों जगह कैंडिडेट उतार दिए हैं और अकेले लड़ने की तैयारी कर ली है। इस बीच खुद को सन ऑफ मल्ला कहने वाले मुकेश सैनी की पार्टी विकासशील इंसान पार्टी ने उपचुनाव से किनारा कर लिया है, उपचुनाव नहीं लड़ने का निर्णय किया और उम्मीदवार चयन से लेकर नॉमिनेशन तक में किसी भी गठबंधन में उन्हें तवज्जो नहीं दी गई और इसके बाद नॉमिनेशन के आखिरी दिन पार्टी की तरफ से चुनाव नहीं लड़ने का निर्णय लिया गया। अगली खबर, बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव छापेमारी अभियान के तहत NMCS पहुंचे और इस दौरान डेंगू वार्ड का निरीक्षण किया। लोगों ने उनसे कहा कि नर्स दरवाजा बंद कर सो जाती है, कहती है कि डिस्टर्ब नहीं करना है, दवा बाहर से लाते हैं, पानी तक खरीद कर पीना पड़ता है। तेजस्वी यादव ने इस पर कहा कि व्यवस्थाएं दुरुस्त की जाएगी, सुधार करेंगे, जो गलत करेगा उसे सजा भी मिलेगी। तेजस्वी यादव डेंगू और सामान्य मरीजों को एक साथ भर्ती करने पर आपत्ति जताई। तेजस्वी यादव ने कहा कि इसके लिए अलग व्यवस्था करें और इस पर अधीक्षक डॉक्टर विनोद कुमार सिंह ने कहा कि डेंगू के मरीजों को MCS भवन में शिफ्ट करा दिया जाएगा। अगली खबर, बिहार में जदयू अध्यक्ष ललन सिंह के करीबी पर आयकर का छापा, पटना, दिल्ली, नोएडा तक चल रही है जांच। पटना के एक बड़े बिल्डर और होटल कारोबारी के कुल 31 ठिकानों पर आयकर विभाग और ED की छापेमारी चल रही है। बताया जा रहा है कि गप्पू सिंह और उनके स्टाफ के अलग अलग ठिकानों पर IT और ED की रेड चल रही है। छापेमारी का दायरा पटना के कई स्थानों के अलावा नोएडा और झारखंड तक बताया जा रहा। अगली खबर, बिहार सरकार ने अपने कर्मियों को दीपावली से पहले बड़ा तोहफा दिया। पेंशनरों के लिए भी अच्छी खबर आ चुकी है, बेरोजगारों के लिए भी खुशखबरी है। आपको बता दें कि नीतीश सरकार ने बेरोजगारी को ही नहीं बल्कि बिहार सरकार के कर्मियों को भी दीपावली का तोहफा देने का निर्णय किया है। कैबिनेट की बैठक में नीतीश सरकार ने 21 एजेंडों पर मुहर लगा दी है। सरकारी कर्मियों और पेंशन भोगियों को 4% महंगाई भत्ता देने की स्वीकृति मिल गई है। पहले 34% महंगाई भत्ता मिलता, जिसे अब 38% कर दिया गया है। सभी कर्मियों और पेंशन भोगियों को 1 जुलाई 2022 स्वीकृति प्रदान की गई है, जो कि अगले महीने से बढ़ाकर दिया जाएगा। पूरे बिहार में सरकार के लगभग 5 लाख कर्मचारी हैं जिन्हें यह फायदा मिलेगा। इसके अलावा पेंशन भोगियों को भी महंगाई भत्ते का फायदा होगा और इसके लिए सरकार 863 करोड़ अतिरिक्त व्यय करेगी। अगली खबर, राज्य के सूखाग्रस्त इलाकों के किसानों को सरकार ने बड़ी राहत दे दी है। बिहार में 11 जिले सूखे की चपेट में हैं। इन जिलों में जहानाबाद, गया, औरंगाबाद, शेखपुरा, नवादा, मुंगेर, लखीसराय, भागलपुर, बांका, जमुई और नालंदा शामिल है और इसमें 96 प्रखंड के 937 पंचायत के 7,841 राजस्व गांव में अकाल घोषित किया गया है। विशेष सहायता के रूप में 3,500 रुपए की राशि प्रति परिवार को दी जाएगी। DBT के माध्यम से बैंक खाते में राशि भेजी जाएगी और इसके लिए 500 करोड़ आपदा विभाग की ओर से निकासी की स्वीकृति दी गई है। डीजल अनुदान भी जारी होगा। इसके साथ ही बाढ़ में हुई फसल क्षति का मुआवजा देने की भी चर्चा कैबिनेट में की गई है। अगली खबर, 5800 कार्य करने वाले नियमित आगे भी बने रहेंगे, इनकी नौकरी नहीं जाएगी। राज्य की ग्राम कचहरियों में वर्तमान में कार्य करने वाले नियमित आगे भी बने रहेंगे। वहीं जहां पर इनके पद रिक्त हैं, वहां पर नियमितों का चयन शीघ्र ही किया जाएगा। इसको लेकर पंचायती राज विभाग ने सभी जिलाधिकारियों और जिला पंचायत राज प्राधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए हैं। विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक 5800 से अधिक ग्राम कचहरियों में नियमित कार्यरत है। वहीं विभिन्न कारणों से करीब 2250 ग्राम कचहरियों में यह पद रिक्त है। राज्य की सभी 8067 ग्राम कचहरियों के लिए एक एक नियमित का नियोजन होता है। विभाग ने कहा है कि पूर्व से कार्य करने वाले नियमित आगे भी कार्य करते रहेंगे, उनकी नौकरी नहीं जाएगी और उनका अनुबंध नए सिरे से किया जाएगा। अगली खबर, बिहार के 16,000 ग्राम सचिव और नियमित्रों के लिए अच्छी खबर है। सरकार ने 47 करोड़ रुपए जारी कर दिए। सरकार ने
ग्राम कचहरी सचिव के नियत मानदेय एवं ग्राम कचहरी न्याय मित्र की नियत फीस की राशि के भुगतान के लिए कुल 47,03,40,000 रुपए राशि आवंटित कर दी है। पंचायती राज मंत्री ने जानकारी दी और बताया कि ग्राम सचिव को मानदेय के रूप में 6,000 रुपए एवं न्याय मित्र को नियत फीस की राशि 7,000 रुपए प्राप्त होती है। वित्तीय वर्ष 21-2022 के दिसंबर माह तक ग्राम कचहरी सचिव के लिए 22,84,20,000 रुपए मानदेय के रूप में और ग्राम कचहरी न्याय मित्र के फीस के भुगतान हेतु 24,19,20,000 रुपए की राशि उपलब्ध कराई गई। अग्निकर प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा लेकर घर नहीं बनाने वाले 164 लाभुकों पर शुरू हुई कार्रवाई। डेहरी प्रखंड क्षेत्र में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के माध्यम से राशि निकालकर घर नहीं बनाने वाले लाभुकों से प्रशासन ने पैसा वसूल करने के लिए नीलाम पत्र दायर किया है। इस प्रखंड के 164 लाभुकों ने तीनों की किस्त की राशि की निकासी कर ली और एक ईंट भी नहीं जोड़ पाए। लाभुक के खाते में राशि भेजने से पूर्व आवास सहायक के द्वारा दिए गए रिपोर्ट से उनकी कार्यशैली पर भी सवाल खड़े हो गए। वही केंद्र सरकार के पत्र में आवास निर्माण में देरी पर हर्जाना के सूत्र तय किए गए हैं। आवास के आवंटन में अगर एक महीने की देरी हुई तो राज्य सरकार को 10,000 रुपए हर्जाना देना होगा। इसके बाद के हर एक महीने की देरी के लिए प्रति माह 20 रुपए प्रति आवास जुर्माना देना होगा। अगर किसी आवास की राशि स्वीकृत तो हो गई और भुगतान में देरी होती है तो प्रति सप्ताह 10 रुपए की दर से लाभार्थी को भुगतान करना होगा। अगर केंद्र सरकार से संबंधित राज्य को इस मद में आवंटन नहीं दिया गया है तो हर्जाना मद में कोई राशि नहीं दी जाएगी। अगली खबर, राज्य के शिक्षकों की वेतन विसंगतियां जल्द दूर होंगी, कमेटी ने सौंप दी है रिपोर्ट। राज्य के सरकारी विद्यालय में कार्य करने वाले नियोजित शिक्षकों एवं पुस्तकालय अध्यक्षों की वेतन विसंगतियां शीघ्र दूर कर ली जाएगी। इसको लेकर बड़ी संख्या में आए शिक्षकों की आपत्तियों पर शिक्षा विभाग के द्वारा गठित 4 सदस्यीय समिति ने गहन मंथन के बाद समस्याओं को दूर करने एवं शिक्षकों के द्वारा उठाए गए मुद्दे को हल करने की दिशा में अपनी संस्तुतियां सौंप दी है। अगले हफ्ते अब विभागीय कामकाज रफ्तार पकड़ेगा तो कमेटी की अनुशंसाओं पर शीर्ष स्तर पर समीक्षा होगी। उम्मीद है कि इसी माह विभागीय कामकाज रफ्तार पकड़ेगा तो कमेटी की अनुशंसाओं पर शीर्ष स्तर पर समीक्षा होगी। गौरतलब है कि शिक्षा विभाग ने 29 अगस्त 2020 को नियोजित शिक्षकों एवं पुस्तकालय अध्यक्षों को 1 अप्रैल 2021 को दे मूल वेतन में 15% की वृद्धि का निर्णय किया। फिर विभाग ने 12 नवम्बर 2021 को पे कैलकुलेटर के आधार पर मूल वेतन निर्धारित करने का आदेश जारी किया। इस विधि से वेतन निर्धारण हुआ तो बड़ी संख्या में शिक्षकों ने आपत्तियां दर्ज कराई। सैकड़ों वरीय शिक्षकों ने अपने से कनिये का वेतन अधिक निर्धारित हो जाने तो बड़ी संख्या में शिक्षकों ने अपने से समकक्षों से कम मूल वेतन निर्धारित हो जाने की शिकायतें की। जिलों से आपत्तियों को लेकर लगातार सूचनाएं मिलने के बाद माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने यह फैसला किया कि 4 सदस्यीय कमेटी गठित की जाए और इसके बाद कमेटी गठित हो चुकी है, फैसला दिया जा चुका है। अगली खबर, बिहार की बागडोर संभालने के बाद पार्टी की नब्ज टटोलने भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े 3 दिवसीय दौरे पर पटना रहे। भूपेंद्र यादव के केंद्रीय मंत्री बनने के बाद से बिहार भाजपा प्रभारी की कमान पार्टी ने महाराष्ट्र के दिग्गज नेता और पूर्व मंत्री रहे तावड़े को सौंपी है। विनोद तावड़े बिहार भाजपा कोर ग्रुप की बैठक करेंगे और इसके बाद कोर ग्रुप के सदस्यों से 1-to-1 बात भी करेंगे। तावड़े मुजफ्फरपुर और पटना में पार्टी के पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। इस दौरान पार्टी की रणनीति पर चर्चा होगी और लक्ष्य तय किए जाएंगे। अगली खबर, लालू यादव के ऑपरेशन से पहले डॉक्टरों ने की कुछ जरूरी अनुशंसा, तेजस्वी के साथ अन्य स्वजन भी जाएंगे सिंगापुर। राष्ट्रीय जनता दल अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के ऑपरेशन के बारे में कुछ मेडिकल जांच के बाद ही निर्णय किया जाएगा। 3 दिन पहले इलाज के लिए सिंगापुर गए हैं। सिंगापुर के एक अस्पताल के डॉक्टरों ने उनके स्वास्थ्य की जांच की है। उनके लिए कुछ जरूरी जांच की अनुशंसा की गई है। पारिवारिक सूत्रों ने बताया है कि 2 दिनों में जांच की प्रक्रिया पूरी होगी, इसके बाद ही किडनी प्रत्यारोपण के लिए उन्हें अस्पताल में भर्ती किया जाएगा। प्रसाद अपनी पुत्री डॉक्टर रोहिणी आचार्य के घर पर सिंगापुर में रह रहे हैं। उनका स्वास्थ्य अभी सामान्य है, एम्स में इलाज के समय ही किडनी प्रत्यारोपण की सलाह दी गई थी। अदालती मामलों में फंसे रहने के कारण उन्हें विदेश जाने की इजाजत नहीं मिल रही थी। हाल ही में सीबीआई कोर्ट के आदेश से उनका पासपोर्ट मुक्त हुआ। सूत्रों ने बताया कि ऑपरेशन की तिथि निर्धारित होने के बाद उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के अलावा अन्य स्वजन भी सिंगापुर जा सकते हैं।